तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले TTML के बारे में, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र क्यों डिस्कस करने वाले वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे एक वीक के अंदर 50% के आसपास के रिटर्न्स इसने सिर्फ और सिर्फ एक वीक में बना करके दिए, जो कि बड़े से बड़ा स्टॉक 5 साल में या 3 साल में भी बना करके नहीं देता। आप यहाँ देखेंगे आज इसमें 10% ऊपर की तरफ ही आपको जाता हुआ दिखेगा, 13.65 रुपये प्लस आपको दिख रहा है, 141 रुपये का रेट हो गया इसका, जो कि 3-4 दिन पहले सिर्फ और 90 या 95 रुपये के आसपास था। अब मैं आपको इसका सबूत बताता हूँ, 1 वीक रिटर्न्स आप देखते हैं तो स्टॉक की तेज़ी आप देख लीजिए कहाँ जा रहा है, स्टॉक किस स्पीड से जा रहा है, देख लीजिए 40-41% के रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ एक वीक के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में कि इतने सारे रिटर्न्स बना दिए? 1 मंथ की बात करें सिर्फ 23% के रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 ईयर्स की बात करें 287% के शानदार रिटर्न्स स्टॉक ने बना करके दिए अपने इन्वेस्टर को। 3 ईयर्स की बात करते तो स्टॉक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीक से भाग रहा है, आप देख लीजिए 3 ईयर्स में 5,562% के रिटर्न्स स्टॉक ने बना करके दिए। वहीं 5 ईयर्स की बात करें तो 1900% के रिटर्न्स। तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो हम इस पर पूरा डिस्कस करने वाले। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टुडेज परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो यहाँ पर लो और हाई आप देख लीजिए कितना फर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है। हाई मार्केट थोड़ा सा पीछे स्टॉक गया है, 52 वीक पहले 33 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 290 का हाई मार दिया, हाई से पीछे आधे दामों से भी कम में आपको स्टॉक अभी बाय करने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा मौका है, ऐसे स्टॉक बाय करने से नहीं चूकना चाहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। मार्केट डेप्थ अगर आप देखते हैं तो काफ़ी लोग जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए सेल क्वांटिटी आप देखेंगे 65% के आसपास, लेकिन बाइंग क्वांटिटी भी आप देखेंगे 34-35% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब इसके फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं ज़रा फटाफट से। तो फंडामेंटल डिस्कस करने से पहले देखेंगे कंपनी काम काज क्या करती है। तो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी का काम काज है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ये देख लीजिए मार्केट कैप आप देखेंगे 27,555 करोड़ का, काफ़ी बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं और लो और हाई मैंने आपको बताया, डिविडेंड कंपनी नहीं देती, फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत कम है, सेल्स ग्रोथ माइनस में, प्रमोटर्स की होल्डिंग शानदार है 74.4% के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे नेगेटिव है, सेल्स कंपनी की देखेंगे 1,092 करोड़, डेप्थ कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा 19,756 करोड़ रुपये का डेप्थ है, रिटर्न ओवर 3 मंथ्स। तो काफ़ी इसके फंडामेंटल जिस तरीके का ये रिटर्न्स कंपनी दे रही है उस तरीके के इसके फंडामेंटल्स नहीं हैं, यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव फंडामेंटल्स हैं। वहीं पर ये मैंने लो और हाई तो आपको इसकी चार्ट में बता दी, इसके प्रोस और कॉन्स पर नज़र डालते तो प्रोस इसका कुछ नहीं है, कॉन्स इसके बहुत सारे। देख लीजिए नेगेटिव में इसकी ग्रोथ आपको नेगेटिव में देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालेंगे, सेल्स देखेंगे कंपनी की तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, मिली जुली आप यूँ नहीं कह सकते कि बढ़ रही, थोड़ी बहुत बढ़ रही है। एक्सपेंस देखेंगे तो कम हुए हैं कंपनी के, नेट प्रॉफिट देखेंगे शुरू से ही कंपनी लॉस बुक कर रही। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हाईलाइट करके बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको माइनस में ही देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, बावजूद इसके इसके जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे अगर कंपनी को लॉस ही हो रहा है, कहीं पर भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी को लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं, शेयर कैपिटल्स आप देखेंगे तो डाउन हुए हैं, बढ़े हैं, डाउन हुए बढ़े, रिजर्व्स कंपनी के ऊपर देख लीजिए काफ़ी कर्ज है कंपनी के ऊपर, कंपनी का कर्ज बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 3600 करोड़ था, 3900 करोड़ हुआ, यहाँ पर धीमे धीमे आप देखेंगे मार्च 2018 से अगर आप देखते हैं आगे तो कंपनी का कर्ज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है लगातार कर्जा चुकाने के लिए। तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है प्रमोटर्स की होल्डिंग्स लगातार 70% से ऊपर है। पब्लिक की होल्डिंग्स देखेंगे तो कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ी है यहाँ पर, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अभी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या अवॉइड करना है। रेवेन्यू देखेंगे जून 2021 से जून 2022 तक अच्छी खासी रेवेन्यू बनी हुई है, प्रॉफिट देखेंगे तो माइनस में होगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं कर रही कंपनी, लगातार लॉस कर रही है। लेकिन जून 2021 के क्वार्टर के अकॉर्डिंग जून 2022 के क्वार्टर में थोड़ा सा कम लॉस हुआ है, लेकिन लॉस ही हुआ है, लास्ट के 5 क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो गया है, कंपनी की नेटवर्थ भी डाउन है। तो इतनी ख़राब फंडामेंटल्स होने के बावजूद ऐसा तो क्या है कि स्टॉक इतनी तेज़ी दिखा रहा है, इस तरीके से भाग रहा है?
तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए फ्रेंड्स, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी ख़राब है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स ख़राब है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे खासे हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो बड़े सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए था। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर से कर लेना फ्रेंड्स।